कैसे हो भाई? क्या बढ़िया कैश मीट अर्जु भाई भाई, बहुत ज्यादा ठंडी बहुत बाहर तो बहुत ज्यादा ही लग रही थी, यहाँ तो थोड़ी कम है। ये ब्लॉग कॉन्फिडेंस यार, ये सिर्फ मेरे को सिखा दो ऐसे। अरे कॉन्फिडेंस बस ब्लॉग ही नहीं होता, आप भी कर पाओगे यार, क्यों नहीं कर पाओ। पायल मैम, हाय मैम जी, के मतलब रुला देगा। चलो चलो चलो। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, सब बढ़िया हो ना यार। तो भाई लोग आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली सैमसंग के एक बहुत बड़े इवेंट में। देखो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आप सभी को पता होगा सैमसंग गैलेक्सी AI का एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, वो भी दिल्ली में, और उसका मुझे इन्विटेशन आया था। और भाई लोग सैमसंग के इवेंट में इंडिया के टॉप बड़े बड़े क्रिएटर्स आने वाले हैं, तो आप लोग ब्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक देखना क्योंकि आप सभी को बहुत कुछ दिखाना है। फिलहाल तो मैं बस पकड़ के निकल जाता हूँ जबलपुर, क्योंकि जबलपुर से मेरी फ्लाइट है दिल्ली के लिए, और भाई लोग पहली बार मैं फ्लाइट से ट्रेवल करने वाला हूँ। बस के बाद ऑटो पकड़ के मैं जबलपुर आ गया था, और जबलपुर में मिलने वाले थे हमारे दो मित्र लायन और रेयरवेट, और दोनों भाई भी हमें मिल गए थे। तो हम लोग फटाफट से कैब बुक कर लेते हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर था, तो हमें जल्दी जल्दी पहुंचना था। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और निकलते हैं बाहर। अब देखना यह है आगे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो पहली बार ही फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा हूँ। क्या सीन होता है क्या नहीं, क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम ही ट्रेवल करने वाले हैं, और रेयरवेट भाई तो पहले भी आ चुके हैं 10-15 बार। कितनी बार? एक ही बार। तो फाइनली गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले, तो चलो चलो गाइस। और भाई हमारी लाल कलर की बस भी आ चुकी थी हमें लेने, क्योंकि यही हमें हमारी प्लेन तक लेके जाएगी। और भाई 2-4 मिनट में देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं हमारी फ्लाइट तक। देखो पहले हम इंडिगो फ्लाइट से जाने वाले थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे कैंसिल हो गई, और अब हमें जाना पड़ रहा है ये वाली फ्लाइट से। और भाई यहाँ पर सभी लोग लाइन में लग रहे थे अंदर जाने के लिए, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आखिर अंदर होता कैसा है। टायर देख रहे हो भाई लोग? और भाई मैं अंदर भी बैठ चुका हूँ, और ये रहे हमारे रेयरवेट भाई, और पीछे है हमारे लाइन भाई। तो गाइस पंखा भी चालू हो गया है, अब बहुत तेज ये पंखा चलेगा, और आपको पता ही है फिर क्या होगा। क्या होगा? उड़ जाएगा क्या होगा? और भाई लोग देखते ही देखते हम लोग आ गए थे आसमान की ऊंचाइयों में। और भाई लोग ये वाला व्यू देखने के बाद मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आ गया था। देखो यार बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। और सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का कैमरा देखो यार, बादलों को जूम करने के बाद बादल और भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। और भाई लोग आप सभी को पता है जिस इवेंट में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ बहुत बड़ा लॉन्च होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा रिवील होने वाला है। सो गाइस फाइनली लैंडिंग होने वाली है, बस थोड़ा सा और टाइम। फाइनली गाइस लैंडिंग हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। कैब हमें मिल चुकी है, कैब वाले भैया गए हैं कैब लेने, और देखो वो जा रहे सामने, और फटाफट से निकलते हैं होटल। और भाई बहुत तेज भूख लगी यार, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। हम लोग होटल पहुंच चुके हैं भाई, कैसा लग रहा है आपको होटल पहुंच के? अभी अंदर भी घुसना है? भूख लग रहा है बस। भूख लगी है गाइस, हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो चलो अंदर चलते हैं, बाकी देखते हैं और काफ़ी क्रिएटर से मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं, हम सबसे ज़्यादा लेट हो गए थे। चलो फिर चलते हैं भाई। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी अपना इवेंट स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग बस जाने वाले थे। और ये रहे अपने लाइन भैया, क्या हाल चाल है ब्रो, कैसा लग रहा तुम्हारा भाई? तो चलते हैं फिर, बहुत मजा आने वाला है आगे चल के। बाकी भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और पहले से भी था, तो अभी मैं बहुत सारे क्रिएटर से मिल चुका हूँ, और काफी सारे क्रिएटर इवेंट में मिलने वाले हैं, तो भाई आपको और मुझे बहुत मजा आने वाला है। अबे ये कहाँ से निकल आया? तो चलो फिर चलते हैं। तो गाइस बस आ चुकी है हमें लेने, और अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि काफी क्रिएटर्स बैठ चुके हैं, तो हम भी चलते हैं फटाफट से अंदर, और जहाँ पर मेन इवेंट होने वाला है वहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो चलते हैं फटाक से अंदर। तो गाइस फिलहाल हम लोग बस में बैठ चुके हैं, मीट सागर भाई, तो निकलते अभी फटाफट से, और वहाँ पर होने वाला है मेन इवेंट, तो मजा आने वाला है गाइस बहुत ज्यादा। और गाइस काफी सारे क्रिएटर्स यहाँ पर बैठे हैं देख सकते हो, और अपने सहेल भाई, रेयर भाई, सभी लोग बैठ चुके हैं। तो गाइस और हम लोग बस में बैठ के निकल जाते हैं उस मेन जगह पर जहाँ पर पूरा का पूरा इवेंट होने वाला है। भाई साहब यहाँ पर होने वाला है पूरा का पूरा इवेंट, देख रहे हो भाई लोग, यहाँ पर मेरा भी नेम आया था इतनी बड़ी स्क्रीन पर, लेकिन वो जाके निकल चुका है, मैं देख ही नहीं पाया, लेकिन रेयरवेट भाई ने रिकॉर्ड कर लिया, तो इनसे क्लिप ले लूंगा। नहीं किया। क्या बात कर रहे हो सच में? अरे यार पाजी स्कैम हो गया यार।
सो गाइस अभी वेट कर रहे हैं, पता नहीं हम लोग अंदर कब तक जाएंगे। और यहाँ पर देखो अपने डायनोमो भाई खड़े हैं, देख रहे हो डायनो भाई, अभी मिलते हैं इनसे भी सबसे और चलते हैं फटाफट से अंदर, देखते हैं क्या सीन है और देखते हैं कैसा क्या रहता है। डायनो भाई आपको बचपन से देखना, मतलब बहुत टाइम से, जब मैं पबजी खेलना भी शुरू नहीं करा था तब से आपको देखना, मतलब आपकी वजह से ही समझो कि खेलना शुरू करा मैंने। बहुत शुक्रिया गाइस। देखो मैं कौन मिला है, पायल मैम, हेलो। तो गाइस चेक इन वगैरह हो चुके हैं और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। और आप सभी ने देखा मैं काफ़ी क्रिएटर से तो मिल चुका हूँ और अभी भी बहुत लोगों से मिलना बाकी है, बहुत ज़्यादा यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और हमारे ट्रिगर भाई भी आए हैं, उनसे भी मिलेंगे। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोगों को एंट्री करनी पड़ेगी ऊपर के लिए, ऊपर अपना इवेंट वगैरह हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स खड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे को देख सकते हो। और यहाँ पर मतलब पायल मैम, कैश मीटर जो भाई, क्या बोल रहे हैं, कैसे लग रहा है, ठंडी लग रही है आपको? भाई बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत बाहर तो बहुत ज्यादा ही लग रही थी, यहाँ तो थोड़ी कम है। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, इनके चैनल का नाम है टोटल गेमिंग, घायल टाइगर टोटल गेमिंग, तो आपके आपका चैनल कर देना घायल टाइगर चैनल को और मेरे को, दोनों को। ऐसे अभी देखो हमें कौन देखे है, जॉनी भाई, हेलो ब्रो, कैसे भाई? भाई मतलब ऐसे धक धक कर रहा हूँ आपसे मिलने के बाद, मतलब भाई देख रहे हो गाइस जॉनी भाई, मतलब यकीन नहीं हो रहा यार इनसे भी मिल लूंगा। जॉनी भाई यहाँ खड़े हैं, बट ये ब्लॉग जो आप कर रहे हैं ना, इतने कॉन्फिडेंस यार, ये सिर्फ मेरे को सिखा दो ऐसे, अरे कॉन्फिडेंस बस ब्लॉग ही होता है, आप भी कर पाओगे यार, क्यों नहीं कर पाओगे, हमारे जॉनाथन हो यार, आपसे क्या नहीं होगा बताओ, हो जाएगा सब होगा। गाइस बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी की बात हो रही है क्योंकि सबके हाथ अकड़ चुके हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा ठंड में फ्लैट इवेंट हो गया, बहुत सारे ठंड में दिल्ली में ज्यादा ठंडी है ना, मुंबई में मुंबई में आओगे मतलब बहुत गर्म होता है। अभी तो गर्मी होने लगी है, पर हमारे निश्चय भाई क्या बात कर रहे हो, मतलब यकीन नहीं हो रहा यार आपकी वॉइस में, रियल में सुन पा रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो, डेली ब्लॉग्स में आपको, और मतलब मेरी पूरी फैमिली आपके ब्लॉग देखते, मतलब आपकी मम्मी जी के, मतलब रुला देगा ये ब्लॉग जब मेरी फैमिली देखेगी तब शौक होने वाला है। भाई आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से नमस्ते। गाइस देखो हमें कौन मिला, हमारे थग भाई, क्या हालचाल ब्रो? ऑल गुड ऑल गुड, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, आपको आपसे मिलकर और बढ़िया हो चुका हूँ। मतलब हर एक क्रिएटर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मतलब चलो मैं दिखाता हूँ आप सभी को, पर देखो पायल गेमिंग कर रहा, मॉर्टल भाई, मांबा भाई और काश और कौन है, और यहाँ पर अपने देखो ट्रिगर भाई भी बैठे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, और काफी क्रिएटर्स यहाँ पर, जॉनी भाई अपने, और बहुत लोग हैं यार, मजा आ गया इस इवेंट में। और गाइस अभी मेन इवेंट तो स्टार्ट होना बाकी है क्योंकि अभी तो बस खाना पीना ही चल रहा था, बाकी यहाँ पर तो एंजॉय वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर गाना वगैरह चल रहे हैं और देखते हैं मेन इवेंट अपना कब तक शुरू होता है। सो गाइस 11:30 बजे अपना इवेंट स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर अनाउंस भी हो रहा है और बहुत जल्दी अपना इवेंट स्टार्ट होगा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर मेन इवेंट होने वाला है, ये गाइस यहाँ पर होने वाला है अपना गैलेक्सी आई का मेन इवेंट, और भाई साहब that you are here with us for this ride. So ladies and gentlemen,
गाइस बहुत जल्दी रिवील होने वाला है, बस कुछ ही देर में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नया डिवाइस लॉन्च होने वाला है और मैं और कदम भाई गेस कर रहे हैं कौन सा कलर होगा, क्या लगता है? यूनिक कलर भाई मेरे को लगता है ग्रे होगा। ग्रे गाइस बस लॉन्च होने वाला है, it is my pleasure and privilege to share this moment with you. Yes, today, we create a new beginning by harnessing something that will forever change our connection with the world and open a new era of innovation. A transformative force that gives each of us. So you can take high quality videos and photos from afar. And pixels are now 1.6 times larger than before, allowing them to capture more light for brighter and clearer output. The next level camera of Galaxy S24 Ultra produces not only epic videos, but epic photos too. अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारे न्यू डिवाइसेस को और भाई यहाँ पर देख सकते हो आप तो ये है गाइस अपने S24 अल्ट्रा और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें AI है, ये वाला कलर भी काफी अच्छा है और इसका कैमरा गाइस काफी अच्छा इवेंट था और भाई इतना मस्त डिवाइस लॉन्च हुआ है, इसमें जो AI है वो काफी अच्छी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सो गाइस फिलहाल हम लोग होटल जा रहे थे और भाई जैसे हम लोग बाहर आए हैं आप लोग एक बार खौक देखो, इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है ना, मतलब मैं सच बताऊं मैं कांप रहा हूं, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। फिलहाल हम लोग जल्दी से होटल निकलते हैं कि नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है, थक गए। और आज के इवेंट में सच में बहुत ज्यादा मजा आया, काफी अच्छा लगा, काफी क्रिएटर से मिले। पहले तो भाई ये ठीक से दिख रही थी, अभी तो फॉग के चक्कर में दिख भी नहीं रही, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा फॉग है यहाँ पे। गाइस फिलहाल हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं और भाई काफी ज्यादा एंजॉय करा, काफी क्रिएटर से मिला, काफी सारी बातचीतें करी और बहुत सच बताऊं बहुत ज्यादा एंजॉय करा, बहुत ज्यादा मजा आया। और सैमसंग का जो नया मोबाइल लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, भाई साहब नेक्स्ट लेवल मोबाइल है यार। उसमें एक AI नेम का फीचर है, मतलब AI आप लोग जानते होंगे, तो मान लो अगर किसी तुम बात कर रहे हो, तुम कोई और लैंग्वेज में बोल रहे हो और तुम चाहते हो उसको किसी और लैंग्वेज में वो बात जाए, भाई वो भी हो सकता है, मतलब पावरफुल AI है। तो भाई सच बताऊं मेरे को तो मजा आ गया इवेंट में जाकर, और मैं ढेर सारे क्रिएटर से भी मिला, आप सभी को पता ही होगा, आपने ब्लॉग देख ही लिया होगा। हाँ एक चीज और आपको बता रहा था, जैसे हम लोग
रूम में आए तभी हमने देखा यहाँ पर दो बैग पड़े हैं जो कि कोई छोड़ के गया था। तो जैसे ही मैंने इसको देखा तो पता चला इसमें एक हुडी है जिसमें लिखा है #playgalaxy। ये हुडी हमको मिली है जो कि कल हमको पहननी है, क्योंकि मैं आप सभी को एक और चीज बता देता हूँ, कल हमारे एक टूर्नामेंट है जिसमें ढेर सारे क्रिएटर्स बीच में खेलेंगे, उसमें काफी बहुत खतरनाक वाला बैटल होने वाला है। सीन क्या है कि भाईलोग सीन क्या है, कल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें हम लोग ये वाली हुडी पहनेंगे #playgalaxy करके, और उसमें काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स टूर्नामेंट में खेलने वाले हैं, जैसे कि मेरी भी खुद की टीम होगी और जोनाथन भाई, डायनो भाई, मतलब काफी सारे प्लेयर्स की अपनी अपनी टीम होगी और वो सभी खेलेंगे सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा पर। तो गाइस फिलहाल हम लोग उठ चुके हैं और खाना वगैरह भी हो चुका है और यहाँ से व्यू देखो। और भाई आज होने वाला है एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट और मैं खेलने वाला हूँ हमारे डायनो भाई की टीम से, और भी भाई काफी सारी बड़ी बड़ी टीम्स आ रही हैं जैसे कि जोनाथन भाई की टीम, मॉर्टल भाई की टीम। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे व्यू देखो और स्विमिंग पूल वगैरह क्या लग रहा है। ऐसी ये रही अपनी बस जिसमें हमें जाना है। गाइस अभी यहाँ पर अंदर होने वाला है अपना टूर्नामेंट वगैरह और अभी यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं और अंदर थोड़ा सा पता नहीं क्या नाच गाना हो रहा है, तो बस थोड़ा वेट और करना है फिर चलते हैं अंदर। और टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स टूर्नामेंट में है और तुम्हारा भाई भी है डायनो भाई की टीम की तरफ से, तो मजा बहुत आने वाला है। यहाँ पर बैठने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर सबकी टीम है, यहाँ पर टीम हाइड्रा है शायद, और मतलब लोगों लगा है सबका, तो देखते हैं क्या सीन होता है। मैं हूँ टीम डायनो भाई की तरफ से और भाई बहुत बूमबाम सीन होने वाला है, ये देखो। और यहाँ पर हम लोग गेम खेलेंगे एंड यहाँ पर पूरा स्ट्रीम शो होगा, मतलब बहुत अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। क्या लगता है कितने किल करोगे आज? सर्वाइव कर रहे हैं, चलो देखते हैं। अभी थोड़ा कम हो गए, मेरे को लग रहा है इसलिए बैन कर रहा हूं। थैंक यू सर, यू कैन सिट। देयर देयर इज अल्ट्रा मैक्स प्रो, हाउ आर यू ब्रदर? इफ यू बाय द रेफरेंस सर, ऐसा है मामा भाई, इससे कुछ चैलेंज वगैरह आ गया पता लग रहा है। ये देखो मामा, थोड़ा मुझे दे दो सर। भाई देखिए ये गेम हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है, ठीक है। आज भी वो कह रहा है मैं हूं आपकी टीम में, आप मेरे से मिले क्यों नहीं? चार आदमी पीछे से हडल करने के लिए तैयार है सर। वेट सर, वेट, यू टू वेट राइट नाउ। व्हाट्स हैपनिंग ब्रदर, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू अगेन। भाई क्वालिटी बहुत खतरनाक है यार इसमें, बहुत मजेदार क्वालिटी है। ताहिर भाई क्या लगता है आपको, ये डिवाइस फाड़ के रख देगा भाई? सबको पीछे छोड़ने वाला ये डिवाइस। और ये जीत गया, क्या बात है, मजा आ गया। हाय लोग, मेरे को तो ये वाला कलर पसंद आ गया है, मतलब देखो यार क्या लुक है इसका, देख रहे हो? ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को कलर के मामले में। तो भाई अभी अपने डायनो भाई भी मिल चुके हैं और मैं इनकी टीम में हूँ, तो मिलके दोनों भाई पट्टे से हेडशॉट जरूर मारेंगे। यस ब्रो। तो गाइस अभी भी काफी टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं और डायनो भाई वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अभी मैं भी जाने वाला हूँ बस, क्योंकि मैं डायनो भाई की टीम में हूँ और अपनी टीम में दो प्लेयर ये हैं। हाय गाइस,
तो चलते फटाक से, अभी सभी लोग जा रहे हैं तो अपना भी अभी सेटअप वगैरह होने वाला है। अभी एक एक टीम को बुला रहे हैं तो मैं भी जाने वाला हूँ बस। भाई लोग यहाँ पर आईडी वगैरह लॉगिन करके फुल तैयारी में हो चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे डायनो भैया भी आ चुके हैं, तो फुल एकदम प्रैक्टिस चल रही है अभी फिलहाल। तो मैं रिसोर्स पैक डाउनलोड कर रहा था और जैसी प्रैक्टिस कंप्लीट होती है फिर मचाएंगे तबाही। यहाँ पर सभी टीम के अपने अपने लीडर वहाँ पर हैं, मतलब जो भी टीम के। अभी हमारा एक मैच कंप्लीट हो चुका है, वो वाला मैच हम लोग जीत सकते थे, एंड तक पहुँच सकते थे, काफी और पहुँचे भी थे, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों ने जोन में सेफ जोन में जाने में थोड़ी सी देरी कर दी, इस चक्कर में गलत सीन हो गया और काफ़ी सारे बंदे थे तो क्या कर सकते थे। खैर कोई नहीं, अभी नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो गाइस अभी देख सकते हो हम लोग टॉप 5 में है। अगर ये वाला मैच भी हो सकता था लेकिन कोई नहीं, होते रहता है, नेक्स्ट गेम देखते हैं क्या सीन होता है क्या नहीं। और भाई अभी अपने डायनो भाई ने एक पैन से किल कर दिया एकदम जबरदस्त वाला, और ये लास्ट मैच है, इसी से डिसाइड करा जाएगा ट्रॉफी किसके हाथ में जाती है। हमारा फर्स्ट मैच तो सही गया था लेकिन लास्ट मैच में थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी लास्ट मैच चल रहा है, देखते हैं। डायनो भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं पता चलेगा। जोनाथन भाई भाग रहे हैं, देखो एचपी कम हो गई। अरे 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 पायल पीछे पड़ी है, अरे और भाई यहां पर इन्होंने सेकंड मैच जीत लिया है काफी अच्छे तरीके से। टूर्नामेंट एंड हो चुका है और काफी अच्छा रहा सब कुछ, एकदम बवाल गया, काफी अच्छा खेला सबने, हम भी सेकंड थर्ड आ जाते लेकिन थोड़ा सा लास्ट मैच में गलत सीन हो गए। और यहां पर अपने जोनाथन भाई और पायल मैम, हाय मैम। टोटल भाई हमारे विन कर रहे हैं ये वाली ट्रॉफी को। तो फाइनली भाई लोग हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पूरा इवेंट कंप्लीट हो चुका है और टूर्नामेंट वगैरह भी हो चुका है, आप सभी ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। और आज था हमारा दिल्ली में लास्ट डे और सुबह हमारी फ्लाइट है, मतलब दोपहर में फ्लाइट है 1 बजे करीब, तो हमें कल निकलना है। बाकी आप सभी को आज वाला ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करा, सच बताऊं काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिला, पायल गेमिंग, जोनाथन, डायनो भाई के तो मैं साथ में बैठ के खेला, उनकी टीम से टूर्नामेंट खेला था, हालांकि जीत नहीं
पाया क्योंकि देखो यार मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे खेल रहा था सबके साथ और थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बाकी काफी अच्छा खेला हम लोगों ने। लाल तर में सोता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और कल हमें निकलना भी है। और हाँ गाइस मैं आप सभी को एक चीज बताना भूल गया, ये देखो मुझे सैमसंग ने क्या दिया है, सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, इसकी मैं वीडियो अलग से आप सभी को दिखा दूंगा इसके अंदर क्या है क्या नहीं। यही और बाकी था दिखाने के लिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। फिलहाल मैं अभी सो जाता हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल है आप सभी के। तो भाई लोग अभी हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था दिल्ली में, क्योंकि हमारा इवेंट वगैरह हो चुका है, टूर्नामेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो अभी हमें निकलना है फटाफट से और हमारी कैब वेट कर रही है और मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूं। तो चलो फिर चलते फटाक से कैब में और निकलते हैं यहां से। फाइनली गाइस हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं अपने एयरपोर्ट के लिए। एक नंबर, मतलब ऐसा था मेरा फर्स्ट इवेंट था एंड माय एक्सपीरियंस इज एक नंबर। उसमें रीजन ये था कि जो हमारे मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे यार, मतलब हमारी सारी काफी अच्छी केयर करी उन्होंने, काफी और भाई लोग हम लोग आ जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहाँ से हमें इंडिगो फ्लाइट पकड़नी है हमारे जबलपुर के लिए। तो बस भाई लोग यही था आज का ब्लॉग जो कि आप सभी ने देख लिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। देखो यार मैं फर्स्ट टाइम ही ब्लॉगिंग कर रहा था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना और दिल से बताना आपको कैसा लगा। और हाँ आप लोग लाइक भी कर देना मेरी जान। और हाँ मैं सैमसंग की पूरी टीम को और हमारी युक्ति मैम को और भी काफी मैनेजर्स को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा केयर करी, हमें बहुत अच्छे से रखा। तो बस भाई लोग मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।